ले ओ, ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। ये अपने भैया का बर्थडे गिफ्ट ले लिया अपनी तरफ। एलियन से कम नहीं लग रहा है। करते करते मेरी सेटिंग बन गई थी, सेटिंग बहुत ही खुश हो जाएगी और इसकी खुशबू सुन। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मेरे बड़े भाई का जन्मदिन है। अभी मजा आएगा ना। बहुत ही बढ़िया दिन होता है जी सब लोगों का, जो जो जिस जिसका जन्मदिन होता है वो उस दिन पे बहुत खुश होता है, क्योंकि उस दिन पे वो इस दुनिया में आए थे, यानी कि मेरा बड़ा भाई इस दुनिया में आया था। अगले महीने मेरा जन्मदिन, आज वैसे 4 मार्च है, 4 मार्च को मेरे भैया का जन्मदिन है और 7 अप्रैल को मेरा जन्मदिन है। तो क्या नाचोगे? तो मैं तो सोच रहा था अभी अपने बड़े भैया को कुछ गिफ्ट देने के बारे में। तो मैं नहीं मानता। तो अभी मैं बाजार जाऊंगा, यानी कि मुझे दुकान पर जाना है। वैसे मैं दुकान पर रोज जाता हूँ, मुझे अभी दुकान पर जाना है। तो मैं वहीं से एक गिफ्ट लूंगा, खरीदूंगा और वहीं से पैक मैक करके और बढ़िया से उसको, बड़े भाई को शाम को आके मैं उसको गिफ्ट दे दूंगा। और मुझे एक चांदी का ब्रेसलेट भी लेना है उसको देने के लिए। चांदी का ब्रेसलेट लेंगे, वैसे मैं सोनार की दुकान पर काम कर रहा हूँ और चांदी का वहाँ से ब्रेसलेट लेके खरीद के और भाई अपने बड़े भाई को मैं आज उसको चांदी का ब्रेसलेट गिफ्ट में दूंगा। और कपड़े देने का प्लान है और मेरा, तो मैं एक जोड़ी उसको कपड़े भी दूंगा गिफ्ट में। तो आज आपको पूरा दिखाऊंगा कि मैं क्या करता हूँ, कैसे गिफ्ट लेता हूँ, कैसे नहीं करता हूँ, और पैकिंग सब दिखाऊंगा मैं। तो बने रहिए ब्लॉग में एंड तक। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत जरूरी है। अभी वैसे कम सब्सक्राइबर हैं लेकिन बढ़ेंगे आगे, जरूर ध्यान है, मुझे इतना जरूर यकीन है कि आप लोग जरूर बढ़वाएंगे आगे। तो गाइस, आज एक खुशी की बात है, कल मैंने अपने पेड़ों में पानी दिया था, मेरा फूल मुरझा गया था, वो सेटिंग को देने के लिए गिफ्ट देने के लिए छत पे रहता था, ताका जाके करते करते मेरी सेटिंग बन गई थी। अच्छा, हमको सिखा दिया। और वो पेड़ मुरझा गया था, आज थोड़ा थोड़ा वो खिलने लगा है, तो मैं वो भी दिखाता हूँ। और आज फिर और उसको पानी देंगे कि तो अच्छी तरह से खिल जाए। तो जितने जल्दी खिल जाएगा मैं अपनी सेटिंग उतने जल्दी तोड़ के दियाऊंगा फूल। तो सही पकड़े हैं। चलो मैं दिखाता हूँ आपको। और सेटिंग यानी कि मेरी सेटिंग, यानी कि आप लोग सेटिंग फोन की सेटिंग मत समझ लेना, वो यानी कि हम लोगों की भाषा में, हम लोग दोस्त की भाषा में बोलते हैं, सभी दोस्त बोलते हैं कि भाई तुम्हारी सेटिंग हमारी सेटिंग, वो वाली सेटिंग यानी कि गर्लफ्रेंड सेटिंग, यानी गर्लफ्रेंड वो फोन वाली सेटिंग नहीं है, नहीं तो तुम लोग फोन वाली सेटिंग समझो। तो चलो मैं दिखाता हूँ, मैंने पेड़ पौधों में पानी दिया था कि वो खिल गया है अपना फूल। तो चलो देखते हैं, अभी थोड़ा थोड़ा खिलता जा रहा है, थोड़ा और जल्दी खिलता जाएगा। तो चलो देखता हूँ। देखो गाइस, ये गेंदा का फूल है, ये अब खिलने लगा है। पहले ये पूरी पत्तियां नीचे थी, अब खिलने लगा है ये। तो एक खुशी की बात है, बहुत ही खुशी की बात है। इस गेंदे को, फूल को देख के मेरी सेटिंग बहुत ही खुश हो जाएगी और इसकी खुशबू सुनकर बस। समझ रहे हो? समझ रहे हो? इसको जाने, ऐसा जाने कौन सा रोग लगा हुआ है कि साला ये तो बढ़ ही नहीं रहा है। अरे भाई, अरे देवा कौन सा रोग लग गया, अरे देवा तेरे, अरे राजू कौन सा रोग लग गया। बस जे जाने ये फूल में क्या बात है, इसको जाने कौन सी अच्छी सेटिंग मिल जाती है अपनी, क्या मिल जाता है। ये तो बगैर पानी के, देखो पानी भी सूख चुका है फिर भी ये इतना खिल जाता है, बड़ा हरामी हो बेटा। और इसमें दूसरा फूल आ चुका है, ये तो मस्त तरीका से फूल आ चुका है। अब मैं इसमें पानी दूंगा, ये वैसे बढ़िया है इसको मेरे, तो ये बढ़िया खिल रहा है अभी। इसी को तोड़कर मैं अपनी सेटिंग को दियाऊंगा, जो अभी ताका झाकी करते करते मेरी सेटिंग बन गई है नई छत पर। तो चलो मैं इसको पानी देता हूँ, इसको जाने रोग लगा। चलो भाई तुम ठीक है, तुम रोग लगाए तुम ठीक है, तुम वैसे ही अच्छे नहीं लगते गुलाब के फूल। गेंदा का फूल देंगे हम, डिजिटल तरीके के जमाने के लोग हैं, गेंदा का ही फूल देंगे। सही पकड़े हैं। गाइस, अभी मैंने पेड़ पौधों में मस्त तरीका से पानी दे दिया है, अब मुझे जाना है दुकान पर। वैसे पेड़ पौधों में मस्त तरीका से पानी दे दे, जो जो पेड़ पौधों में अपने अपने सेटिंग के लिए, गुलाब का फूल देने के लिए, कोई सा भी फूल देने के लिए पेड़ पौधों में पानी देते हैं, तो कमेंट में जरूर बताना। और जिस जिसकी सेटिंग भी हो वो भी कमेंट में जरूर बता देना, हाँ भाई मेरी सेटिंग है। और जिसकी नहीं हो तो वो भी बता देना, क्योंकि जरूर बता जरूर देना भाई। तो चलो अब मैं चलता हूँ नीचे, क्योंकि अब मुझे जाना है दुकान पे, भैया के लिए गिफ्ट खरीदना है, चांदी का ब्रेसलेट खरीदना है, तो दुकान पे जाना है। तो दुकान पे जाके मैं वहाँ से अपने गिफ्ट खरीदूंगा भैया के लिए और पैकिंग वैकिंग करके आपको संजा के टाइम को दिखाऊंगा कि मैं कैसे गिफ्ट देता हूँ, कैसे नहीं देता हूँ। तो बर्थडे मनाते हम शाम के, वैसे नहीं मनाते, वैसे हम लोग ज़्यादातर बर्थडे मनाते नहीं है, ऐसे ही गिफ्ट दे देते हैं। तो चलो अब मैं चलता हूँ नीचे, तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जरूर बता देने का आपको ब्लॉग में मजा आता है कि नहीं आता है और किस टाइप का मैं ब्लॉग बनाऊं तो आप लोगों का एंटरटेनमेंट करने के लिए। चलो मैं चलता हूँ दुकान पर अपने भैया के बर्थडे का गिफ्ट खरीदने को। चलो चलते हैं।
और गाइस जैसे मैंने बताया थे अगले महीने मेरा जन्मदिन है, 4 मार्च को मेरे भाई का जन्मदिन है, 7 अप्रैल को मेरा जन्मदिन है, तो आप लोग जरूर बताना कमेंट में कि मैं अपना जन्मदिन मनाऊं या नहीं मनाऊं, कैसे मनाऊं कैसे नहीं मनाऊं, तो कमेंट में जरूर बता देना। तो गाइस मैं अभी मस्त नहा होकर रेडी हो चुका था और अभी जा रहा हूं दुकान पर, वहीं पर भैया का गिफ्ट लूंगा, भैया का बर्थडे का, वहीं पर पैक करूंगा, ब्रेसलेट लूंगा या कड़ा लूंगा उनके लिए। तो चलो अब चलते हैं दुकान पर, आज आपको बहुत मजा आने वाला है, तो आप लोग वीडियो में एंजॉय कीजिए, चलो चलते हैं दुकान पर। तो आ चुका है मेरा ड्राइवर, इसी के साथ मैं जाता हूँ जी, मेरा ड्राइवर है रोज जितन भाई, ड्राइवर भाई शकल तो दिखा दो जरा ड्राइवर, वैसे तो मैं एलियन से कम नहीं लग रहा है। ड्राइवर साहब गाड़ी अच्छी साफ करना, बढ़िया मस्त चमक जाए। तो अच्छा तनख्वाह नहीं मिली, तनख्वाह मिल जाएगी 2-3 दिन बाद दे देंगे तनख्वाह तुम्हें। तो चलो अब चलते हैं दुकान पर ड्राइवर के साथ में। तो गाइस मैंने अपने भैया का बर्थडे गिफ्ट ले लिया अपनी तरफ से, और एक कड़ा भी लेने वाला हूँ, वो हमारी मम्मी देंगी कड़ा भैया को गिफ्ट में। तो चलो अब मैं लेता हूँ और घर पे जाकर दिखाता हूँ। तो गाइस मैंने अभी ये पैक भी करवा लिया गिफ्ट अपने भैया का, एक ऊपर वाले में मैंने एक कड़ा पैक करवाया चांदी का और नीचे मैंने एक सेट पैक करी। तो चलो अब चलते हैं घर पे, भैया को देते। तो गाइस अभी हम आ चुके थे दुकान से घर पर और गिफ्ट भी ले आया था भैया का, सब भैया को गिफ्ट देते हैं, उसका बर्थडे सरप्राइज गिफ्ट देते हैं, तो चलो देते हैं। तो चलो गाइस अब गिफ्ट देते हैं भैया को अपना, हेलो ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। थैंक यू भाई, छोटे भाई खोल के तो देख लो क्या है उसमें। ये गुलाब का फूल अपनी सेटिंग बजा दी जाके, नहीं नहीं राहुल अपनी सेटिंग बजा दी जाके, बड़ा हरामी हो बेटा। तो गिफ्ट देती हूँ यार भैया को, मम्मी ने मंगवाया था एक कड़ा चांदी का। तो गाइस अभी मैंने भैया को उसके बर्थडे का गिफ्ट दे दिया था, तो उसको तो बहुत बढ़िया लगा है। तो अब मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, प्यारा से कमेंट कर दीजिए। तो चलो मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में।